आई थिंक होप आप सब अच्छे होंगे, आप लोग घर में हो रहे होंगे, और प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। जब तक तो कोई ज़रूरी काम ना हो प्लीज़ आप घर के बाहर ना निकलें। आप सोच रहे होंगे आज क्या बात है, ये ना चल रही है ना ड्रेस दिखला रही है, ऐसी क्या बात हो गई। एक्चुअली आज मैं एक चीज़ मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है आफ्टर 2-3 मंथ्स, मतलब जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद शायद पहली पहली मेरी ऑनलाइन शॉपिंग होगी। तो मंगा तो मैंने लिया था 1 वीक पहले ही, बट मैंने दूसरे रूम में रख दिया था। तो उसके बाद से तो लॉकडाउन लगा, 20 मार्च को मेरा बर्थडे था, उसके बाद से लॉकडाउन ही लग गया। भगवान भी बोले होंगे किसको पैदा कर दिया, इसके बर्थडे वाले दिन ही लॉकडाउन लग गया। तो देखते हैं मैंने क्या मंगवाया है, लेट्स सी। में है मतलब बहुत ट्रेंडी भी लगते हैं, और जेबील का इसलिए मैंने लिया, ऐसे तो मतलब रियल मी के भी आते हैं और JBL की साउंड क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। चाहे इसका हेडफोन भी मैंने यूज़ किया है वो भी अच्छा रहता है। तो चलो देखते हैं, JBL का ट्रू वायरलेस ईयरफोन या ईयरबड जो कह लें ये वो है। एक्चुअली मंगाया तो मैंने 1 वीक पहले ही था, बट मैंने सेफ साइड के लिए दूसरे रूम में रख लिया था बिकॉज ऑफ दिस वायरस है ना, डर के मारे कौन छूता है यार बाहर की चीज़ें, वो भी अभी के टाइम में। तो एक्चुअली मैंने इसको फिर कल ओपन कर लिया था देखने के लिए इसका साउंड क्वालिटी, ब्लूटूथ रेंज ये सब चेक करने के लिए, या बैटरी बैकअप ये सब कितना होता है ये सब मैंने चेक कर लिया था। बट आप लोग के लिए वापस से मैंने इसको पैक कर दिया है, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या फीचर्स है। एक्चुअली इसमें कलर्स दो आते हैं, एक वाइट और ब्लैक है, तो मैंने ब्लैक मंगवाया। ये देखिए ये पैकेट है, इसके ऊपर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। ये है ट्रू वायरलेस कंफर्ट फिट, हैंड फ्री कॉल्स है, और प्योर कंफर्टेबल एप्पल मेंस। ये बैटरी बैकअप 17 आवर्स दिखला रहा है बैटरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे। अदर्स फीचर्स है 20 MHz, और ये दो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब के मैनुअल से, चाहे वो ईयरबड है 3 साइज़ के, मीडियम स्मॉल मीडियम लार्ज मैनुअल्स है, USB पो ये चार्जर है, और ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। और इसका एक्चुअल प्राइस आप देख सकते हैं, ये 8000 का है, 7999 है, मतलब ऑलमोस्ट 8000, बट फ्लिपकार्ट पे अभी आपको 4000 में ये मिल रहा है, मतलब 3999, मतलब 4000 ऑलमोस्ट। सॉरी उल्टा खोल लिया मैंने, ये गिर गया। और ये माइक्रो USB केबल है जो आप इससे कनेक्ट कर लेते हैं, और ये आपको मैं दिखाता हूँ। साउंड क्वालिटी भी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, ये देखिए यहाँ राइट एंड लेफ्ट लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये देखिए पैक कर देता है, ये देखिए ये पूरा ये देखिए ये नहीं गिरता है, ये पूरा पैक है, ये देखिए ये पूरा पैक है, पूरा पैक हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका बाहर का नॉइज़ पूरा कैंसिल कर देता है। और एक्चुअली मेरे कान छोटे हैं तो ये थोड़े से आपको बाहर अजीब से निकले हुए दिखेंगे, बट जिनके कान बड़े 90% लोगों में ऑलमोस्ट आई थिंक ये फिट हो जाते हैं, बट मेरे जैसे छोटे कान जिनके हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट मैंने फील किया कि मैं अगर बहुत ज़्यादा देर लगाऊँ तो, क्योंकि इसको बहुत टाइट होकर लगाना पड़ता है, तो मेरे तो कान अगर ज़्यादा 4-5 घंटे से ज़्यादा करूँ तो मेरे तो कान दुखने लगते हैं। बट आप देख लेना आपको क्या मतलब कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको लगता है कि ये बेटर है तो ठीक है।
और देखिए यहाँ ये जो लाइट होती है वो चेंज हो जाएगी ब्लू, मतलब आपका कनेक्ट हो चुका है इससे। और राइट उससे राइट हाँ इससे आप कॉल ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको, ये देखिए ये प्रेस करेंगे तो कॉल ड्रॉप भी हो सकता है। लेफ्ट उससे आप लेफ्ट प्रेस से आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, इसे ट्रैक भी चेंज हो जाता है, तो मतलब ट्रैक भी चेंज हो जाएगा, कॉल ड्रॉप भी है, और माइक असिस्ट, और ये केस आते हैं आप देख सकते हैं, और पीछे ये यूएसबी चार्जिंग का पॉइंट है, ये देखिए ये आप इसको इसके साथ ले आते हैं, ये देखिए चार्जिंग पॉइंट है, और फिर ये केस आता है बहुत डिसेंट है, बंद हो गया, ये है, ये देखिए इसमें ये फिट आ जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट के लिए अलग है। दो तीन घंटे गाने सुने थे और एक दो घंटे मतलब घर पे बात किया था, तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे तो आराम से चल जाते हैं। वो ऑलमोस्ट 16 एम्पावर की है, तो अगर आप मतलब कुछ घंटे आप ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है ये। और JBL का साउंड क्वालिटी तो आपको पता ही है, वो तो हमेशा काफ़ी बेस्ट होता है, साउंड का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ठीक है। आप अपना यूज़ करके आप इसको देखें क्या है क्या नहीं, और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अभी तो आई थिंक ये अभी ये 4000 में मिल रहा है। तो भाई अभी के लिए इतना ही, भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है और बहुत ज़्यादा मेरे को उतना इन सब के बारे में ज्ञान नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो भी ब्लूटूथ रेंज या फिर साउंड क्वालिटी ये सब तो बता ही सकती हूँ, तो मैंने वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे आप अपना चेक करके देखें, 1 वीक का रिटर्न है आई थिंक, कंफर्म नहीं हूँ आई थिंक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, चेक करके फिर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि मैं अपने घर में मम्मी लोगों से बात करती हूँ, तो ईयरफोन हमेशा लगा के इधर उधर घूमना वो वायर वाले के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, वो वायर वाले ईयरफोन के साथ या हेडफोन के साथ हमेशा कुछ बैग टांगो उसके अंदर मोबाइल रखो, बट अब भी मेरे को बहुत ईजी रहता है, मैं किचन में भी काम करती रहती हूँ, मम्मी से बात करो और फिर यूज़ करते रहो। तो अभी तक के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ, ओके, बाय बाय, लव यू।